देखो वहाँ कुछ है। क्या लगता है गप्पी, ये क्या होगा? चलो दादाजी से पूछते हैं। दादाजी चलिए, हमें वहाँ कुछ मिला है। ये तो कोई पुराना नक्शा जैसा लग रहा है। वाह, पुराना नक्शा! क्या हम इसे खोल सकते हैं दादाजी? हाँ बच्चों, चलो देखते हैं। दादाजी ये देखिए, इसके ऊपर कुछ लिखा है। इस पर लिखा है, नक्शा मैं जादुई पुराना, करो मेरे साथ सफर निराला, लेकर चलूं मैं तुम्हें वहाँ, चुनी हो तुमने जो जगह यहाँ। लगता है ये नक्शा में कोई जगह चुनने को कह रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा स्माइली। स्माइली ये लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। हाँ और देखो ढोल भी बज रहा है। दादाजी ये लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों हम लोग पंजाब में हैं और ये लोग बैसाखी का त्योहार मना रहे हैं। बैसाखी का त्योहार पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस महीने में रबी की फसल पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है और उनकी कटाई भी शुरू हो जाती है। अरे वाह दादाजी, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये देखो स्माइली, नक्शा फिर से चमक रहा है। मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, चलो महाराष्ट्र चलते हैं। कितनी सुंदर पतंगे हैं बच्चों के पास। हाँ देखो इनकी पतंगे भी कितनी ऊंची उड़ रही हैं। रंगोली भी कितनी सुंदर है, कितने सारे रंग हैं इसमें। बच्चों ये लोग मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं। यह भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन महाराष्ट्र में लोग पतंग उड़ाते हैं और तिल गुड़ की मिठाई बनाकर मिल बांट कर खाते हैं। कितना मजा आता होगा पतंग उड़ाने में। ये देखो गप्पी, ये नक्शा फिर से चमक रहा है। चलो अब इस जगह चलते हैं। एक सजी हुई गाय। हाँ मैंने भी ऐसी गाय कभी नहीं देखी। हाँ ये सचमुच में अलग है। इस त्योहार को पोंगल कहा जाता है और ये तमिलनाडु में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है। इस त्योहार के दौरान लोग पत्तों और फूलों से सजाए गए मिट्टी के बर्तन में नई फसल के चावल को दूध और गुड़ के साथ पकाते हैं और फिर खाते हैं। रंगोली भी कितनी सुंदर है, कितने सारे रंग हैं इसमें। हाँ स्माइली, तुम्हें पता है ये रंगोली चावल से या चावल के आटे से बनाई गई है? चावल से। अरे वाह, लगता है नक्शा में फिर से कोई जगह चुनने को कह रहा है। चलो अब इस जगह चलते हैं। वाह उनका डांस तो देखो कितना सुंदर है। बच्चों ये असम का एक लोक नृत्य है जिसे बिहू डांस कहा जाता है। असम में लोग अक्सर बिहू के त्योहार के दौरान गाने और नृत्य करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वे पीठा नामक एक विशेष खाने की डिश भी बनाते हैं जो चावल नारियल और गुड़ से बना होता है। वाह चावल नारियल और गुड़ से बना पीठा, मजा आ गया। बच्चों अभी हमने जितने भी त्योहार के बारे में जाना है उन्हें फसलों के त्योहार कहते हैं। ये त्योहार एक बड़ी सी पार्टी की तरह है जिसमें हम किसानों की कड़ी मेहनत और धरती से मिलने वाले स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने की चीजें मिलने का जश्न मनाते हैं। दोस्तों हमने तो इस पुराने नक्शे के साथ अलग अलग शहरों और उनके त्योहारों के बारे में जान लिया है। अब आपकी बारी है अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में जानने की। आपके शहर में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कैसे, इस बारे में सोचिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।